बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बना लेंगे गोभी 65। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। गोभी 65 के साथ हम वाइट चिकन की रेसिपी भी बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये देखिए गोभी 65 के इंग्रेडिएंट्स। गोभी को अच्छे से कट कर लिया हम लोग। ये गोभी को हम नमक के पानी में भिगा के रख लिए थे, अब निकाल दिए। अब हम इसको पोंछ लेंगे पहले बनाते खुद। ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बोल देती हूँ। अब ये देखिए, एक चम्मच फुल अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच। ये देखिए मैदे का आटा है, ये 4 से 5 चम्मच मैदे का आटा, कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच, चाई के चम्मच से। एक अंडा ले लेंगे, नींबू एक, रेड फूड कलर ले लेंगे। चलिए सब में पहले हम गोभी को सूखी पोंछ लेंगे कपड़े की मदद से। ये देखिए कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे गोभी को। गोभी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसको सूखा पोंछ लेना है अपने को ये कपड़े की मदद से। अब हम इसको मैरिनेट करने की ग्रेवी रेडी कर लेंगे। एक कुंडे में हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। अब हम ये मसालों में मैदा ऐड कर लेंगे, मैदे का आटा, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेंगे, रेड फूड कलर भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब पानी कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। गोभी 65 मसाला एक पैन में हम तेल गरम को रख देंगे। 1 से 1.5 कप तेल ले लेंगे एक पैन में, गरम को रख देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए गोभी 65 का मसाला बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें अंडा ऐड कर लेंगे, एक नींबू का रस भी ऐड कर लेंगे। नींबू के बीज निकालना है अपने को, नहीं ऐड करना है। अब हम इसमें आधा चम्मच चिकन मसाला पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अब हम ये गोभी ऐड कर लेंगे, थोड़े थोड़े गोभी के पीसेस ऐड करके इसको तल लेंगे। एक साथ पूरे ऐड नहीं करेंगे गोभी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोभी को। अब हम एक एक पीसेस डाल के तल लेंगे गोभी 65। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, क्योंकि फुल फ्लेम पे पकाने से अंदर से गोभी कच्ची रहती, अच्छे से तले नहीं जाती। अब हम इसमें और थोड़ी गोभी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गोभी अच्छे से तले जा रही। अब हम इसको पलटा लेंगे। माशाल्लाह कलर भी बहुत बेहतरीन दिख रहा। ये देखिए गोभी 65 बन के रेडी हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दिख रही गोभी 65। कलर भी बहुत बेहतरीन आया। नेक्स्ट ट्रिप भी ऐसी ही डाली। ये देखिए गोभी 65 को हम पलटा लेंगे। अब माशाल्लाह कलर बहुत बेहतरीन आया गोभी 65 का। ये देखिए गोभी अच्छे से तले गए हमारी गोभी 65। तेल में 4 से 5 हरी मिर्ची बीच में से कट मार लेंगे, वो तल लेंगे। उसमें ही हम
एक चम्मच कलिया पाक भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह गोभी 65 बन के रेडी हो गए। वाइट चिकन ग्रेवी बनाना शुरू कर देंगे। वाइट चिकन ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स, ये 300 ग्राम चिकन है, इसको अच्छे से धो के हम लोग रख दिए। इसका पानी पूरा निकाल लिए। चार मीडियम साइज़ की प्याज कट कर लिए हम लोग, इसको हम क्यूब के शेप में कट कर लिए प्याज को। और इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची है, ये प्याज को और हरी मिर्ची को तल के हम ग्राइंड करके देंगे पेस्ट। ये देखिए 1 चम्मच फुल अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, ये चिकन मसाला पाउडर है 1 चम्मच, ऑप्शनल है वो चिकन मसाला पाउडर। एक बटर की क्यूब ले लेंगे, दही 1 पैकेट। चलिए बनाना शुरू करेंगे। एक पैन में 1 चम्मच तेल ले लेंगे, इसमें हम प्याज भी हरी मिर्ची तल लेंगे। इस प्याज को हम नरम ही जब तक तल लेंगे, हरी मिर्ची को और प्याज को। इसमें हम 2 चम्मच खोपरा का पाउडर ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्याज हुई जब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे दही के मसाले में। 1 कटोरे में चिकन डाल लेंगे, दही को हम फेंट के डाल लेंगे। आधी पैकेट दही डाल लिया हम लोग, अगर अपना चिकन ज़्यादा रहा तो अपन डबल, इससे डबल डाल लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हम लोग तो 300 ग्राम का चिकन का बना रहे वाइट चिकन ग्रेवी। अगर हम 1 किलो चिकन का बना रहे या 1/2 किलो चिकन का बना रहे तो इंग्रेडिएंट्स अपने को बढ़ा लेना पड़ता, इससे डबल कर देना पड़ता। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्ची पाउडर और चिकन मसाला पाउडर भी ऐड कर लेंगे। हम वाइट चिकन की ग्रेवी बना रहे इसलिए हम लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर नहीं यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये ग्रेवी को दही की। ये देखिए प्याज, खोपरा और हरी मिर्ची अच्छे से तले गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जो प्याज तल लिए थे वही पैन में हम 2 से 3 चम्मच तेल ले लेंगे। 1 बटर की क्यूब ऐड कर देंगे उसमें। अब हम ये बटर के तेल में 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 इलायची साबित, इसको हम हल्का हल्का पका लेंगे। ये देखिए प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट अच्छे से ग्राइंड कर दिए, खोपरा। अब हम ये तेल में ये सब पेस्ट ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। इसको हम 10 से 15 मिनट फुल फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से भुने जा रहा मसाला, तेल भी साइडों से अच्छा छूट गया। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे जो मिक्स कर लिए थे दही में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को। अब हम ये चिकन डालने के बाद 10 से 15 मिनट फुल फ्लेम पे पकाएंगे ये चिकन को। ये देखिए चिकन की ग्रेवी अच्छे से पक रही, वाइट चिकन की ग्रेवी, माशाल्लाह 10 मिनट भी हो गए। ये देखिए चिकन की ग्रेवी अच्छे से पक रही, तेल भी साइडों से अच्छा छूट गया। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए वाइट चिकन ग्रेवी बन के रेडी हो गई, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दिख रही, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही। इस तरीके से आप लोग भी बना के देखिए, बहुत बेहतर बनता सालन। इसमें हम 2 चम्मच क्रीम ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, माशाल्लाह। नमक थोड़ा कम दिख रहा है, ऐड कर ले रहे हम लोग थोड़ा नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल लेंगे, माशाल्लाह। अब हम इसको 2 से 3 मिनट दम पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए वाइट चिकन ग्रेवी अच्छे से दम हो गई, माशाल्लाह। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे,
इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन दिख रही ग्रेवी वाइट चिकन। ये देखिए वाइट चिकन ग्रेवी और गोभी 65 बन के रेडी हो गई माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन दिख रहा। इस तरीके से अपना भी बना के देखिए, बहुत बेहतरीन बनते रेसिपीज़। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।